शिवपुरी के ग्राम पंचायत राजपुर के ग्राम चितारी के पास सिंध नदी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से पोकलेन मशीन के माध्यम से रेत का उत्खनन और डंपर के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत आज कलेक्टर कार्यालय में की गई। जानकारी के अनुसार रामभरण गुर्जर ने कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि ग्राम चितारी के पास नदी में अवैध रूप से रेत का उत्खनन किया जा रहा है और परिवहन की वजह से करेरा भितरवा रोड पर रेत गिरने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और रेत का अवैध उत्खनन करके शासन को लाखों रुपये के राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। पूर्व में भी कई बार शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन पर भी 181 पर भी शिकायत की गई, लेकिन अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आवेदन देकर थाना सीहोर के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजपुर के ग्राम चिवारी के पास सिंध नदी में अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई है। रामभरण गुर्जर, कहाँ से आए हो? हमारे यहाँ पास में अवैध रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, यही 8-10 दिन हो गए। एसपी साहब को दिया है, नजदीकी थाना में आपने से नजदीकी एसटीओपी साहब के पास गया था करेरा, फिर क्या उन्होंने उन्होंने कहा ऊपर जाओ, हमने एसपी साहब को दिया है। हमें क्या दिया? अभी कुछ नहीं दिया, अभी तो ऐसे बोल दिया दिखवा लेंगे। गजेंद्र रावत है, माइनिंग में दिया है, वो बोल रहे दिखवा लेंगे, भेज देंगे, एक इंस्पेक्टर एक ही है, उनको जाएंगे वो। चल रहा है ऐसे 8-10 दिन हो गए लगभग।